fourth session of our Android Compose Camp, and our speakers for today is Omvir Pawar and Vashu. Omvir Pawar, he is currently pursuing BTech from Dronacharya Group of Institutions, Greater Noida, and also currently working as Android Developer Intern at Google. Vashu, she is currently working as an Android Developer Intern at Google and also pursuing her BTech in EC from UIT. Over to you, Omvir. Thank you. Hello, guys. Hope you all are fine. In today's lecture, we are covering our next topic, which is navigation between these screens. Of what is navigation and other thing, what is architecture? इसको हम पढ़ेंगे अगले उसमें जो चल रहा है हमारा सेशन, ठीक है? तो उससे पहले, तो बिफोर स्टार्टिंग अप, माय नेम इज ओमवीर पवार. आई एम अ बीटेक स्टूडेंट एट द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा. आई एम करंटली वर्किंग एज एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न एट गूगल वर्चुअल इंटर्नशिप बाय स्मार्ट इंटर्न. And I am also a certified Java developer from Microsoft and also a professional cloud leader from Google Cloud. And also currently working as a technical co-lead and Android Jam facilitator at GDSCDGI. I think it's all about my profile. So let's begin with the course. So in today's lecture, we are covering navigation. Okay. So kya padhaya humne? Bahut saari to bhi padh liya humne ab tak. Kya kya padh liya? Ki image kaise lagate hain, text kaise lagate hain. Theek hai? और एक डाइस रोलर ऐप बताता कि बटन कैसे लगाते हैं, ठीक है? और उसके बाद तुमने पढ़ा होगा, उसके बाद मैंने स्क्रोलेबल आपको बताई थी कि स्क्रोल कैसे करते हैं. अब क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, क्योंकि हम क्या है, एक बेसिक सीख रहे हैं किसी भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूजिंग कोटलिन यूजिंग जेटपैक कंपोज, ठीक है? अब जेटपैक कंपोज, अब एक टॉपिक तो रह गया कि हमने क्या क्या सीख लिया. इमेज लगानी सीख ली, टेक्स्ट लगाना सीख लिया, स्क्रोल करना सीख लिया, ठीक है? हमने क्या नहीं सीखा कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर क्या जाए. तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जब हम जाते हैं उसको बोलते हैं नेविगेशन. क्या बोलते हैं? नेविगेशन बोलते हैं उसको. अब देखो, हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, यूजुअली हर बंदा तो व्हाट्सएप चलाता है, ठीक है? अच्छी बात है, व्हाट्सएप चलाना चाहिए, ठीक है? तो या इंस्टाग्राम चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है. तो स्टार्टिंग में क्या आता है, इंस्टाग्राम उसका व्हाट्सएप का लोगो आता है बना हुआ, फिर क्या आता है, कॉन्टेंट इन्फो आती है. जब तुम उस पर किसी के भी चैट पे क्लिक करते हो तो अंदर बहुत चैट आती है तुम्हारी. तो कितनी स्क्रीन हो गई, एक तो पहला जब ओपन हो रही है वो वाली स्क्रीन, होम स्क्रीन, उसके बाद जो चैट स्क्रीन आ रही है, ठीक है? उसके बाद जब तुमने क्या किया, मैसेज वाली जो चैट हो रहा है वो वाली स्क्रीन आ रही है, ठीक है? अगर किसी को कॉल करो तुम तो नेक्स्ट स्क्रीन बन जाती है. ऐसे देखो बहुत सारे UI यूज हो रहे हैं, यूजर इंटरफेस काफी सारे यूज कर रखे हैं. तो उनको ही कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएं, उसको इसको ही बोलते हैं नेविगेशन बोलते हैं. तो उसको ही हम सीखेंगे, क्योंकि बेसिक बनाना है. तो मैं सिर्फ तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम इजीली आराम से कोई भी ऐप बना सकते हो, ठीक है? इज माय स्क्रीन विजिबल? लेट मी कंफर्म. यस. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. तो न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एंड चूज एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन नेम योर ऐप, व्हिच इज क्या सीख रहे हैं हम, नेविगेशन बेसिक्स. डाल देते हैं नेविगेशन बेसिक्स, ठीक है? नेविगेशन ऐसे. अब ये क्या है, ये पैकेज नेम है हमारा, जहाँ हर डेवलपर पैकेज नेम अलग होता है. लास्ट लेक्चर में बताया था, जिससे कोई प्ले स्टोर पे मेरे जैसा बंदा कोई चोरी करके दूसरी ऐप ना डाल दे, ठीक है? ऐसे ये सेव लोकेशन होती है कि लोकेशन तुम्हें कहाँ सेव करना है. ये वाला ऐप, एक मिनट में इसको सेव कर लेता हूँ डिफरेंट उसमें. ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया है. वेट वेट, ठीक है? अब देखो लैंग्वेज हम कोटलिन कर रहे हैं, और मिनिमाइज देखिए कि कितने ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं डिवाइसेस में हमारा जो ऐप है वो चल जाएगा, ठीक है? तो ये 98.8% में चल जाएगा. पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है, ठीक है? अब चलते हैं फटाफट अपने ऐप के ऊपर. वेट अ सेकेंड. अब देखो, अब तक मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, इन सारी चीजें बता दी आपको, लेकिन पता क्या रह गया, डिपेंडेंसी बता दी कि ये सब चीजें जैसे कुछ भी होता है कि हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है. तो जो लाइब्रेरीज होती है कहीं ना कहीं क्या होती है, किसी ना किसी फंक्शन पे, ठीक है? वो क्या करती है, डिपेंड करती है किसी ना किसी लाइब्रेरी पे, कुछ ना कुछ डिपेंड करती है, ठीक है? तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है, वही करना है, मतलब डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक है? अब मैं दिखा देता हूँ डिपेंडेंसी कैसे ऐड करना. इसमें ना एक हम क्या यूज कर रहे हैं, नेविगेशन यूज कर रहे हैं, तो हम एक क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे. देखो
यहाँ पर ये डिपेंडेंसी है इम्प्लीमेंटेशन और ये एक डिपेंडेंसी है। तो और देखो इसका दे रखा है वर्जन, इन्होंने दे रखा है कितना है 2.5.2। ठीक है, अब ये ना क्या होता है एंड्रॉइड जो स्टूडियो होता है उसके अंदर क्या होता है कि बार बार डिपेंडेंसी जो ये वर्जन होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो ये मत सोचना अभी ये है बाद में कुछ और होगा, तो वर्जन चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्या रहेगा कि डिपेंडेंसी यही सेम रहती है। ठीक है, वर्जन चेंज होता रहता है। तो अब देखो शायद बिल्ट हो गया हो, राइट, ये बिल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आना ग्रेडल में, ग्रेडल के अंदर ये देखो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल नेविगेशन बेसिक ऐप ऐप वाले माना है। इसके बाद देखो नीचे डिपेंडेंसी दिखेगी तुम्हें, तो यहाँ पे आके क्या कर देना, सिंपली इसको पेस्ट कर देना, और जो ये लिख रहा है ना नेव वर्जन इसकी जगह लिख देना 2.5.2। अभी मैं ऐसा कहीं से ही लिख रहा हूँ, देखो मेरा ये ऊपर दे रखा है 2.5.2। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इजीली यही करना है। अभी तक मैंने आपको डिपेंडेंसी ऐड कराई है और कुछ नहीं कराया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस मेन एक्टिविटी पर और क्या करते हैं फटाफट इनको हटा देते हैं। फटाफट इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है। कहाँ जाना है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। जैसे एक्टिविटी मेन जो है ये क्लास है, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी। तो जैसे यूआई लिख रहा है, यहाँ पे यूआई थीम लिख रहा हो, किसी के में कुछ लिखता रहता है, मतलब अलग अलग रहता है लेकिन यूआई कॉमन होता है। ठीक है, तो यूआई पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू और फिर इस पे क्लिक करेंगे, कॉटलिन क्लास और स्लैश फाइल। ठीक है, कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, क्योंकि मेरे को क्या बनानी है, फाइल बनानी है। अब फाइल क्यों बनानी है मेरे को, फाइल इस वजह से बनानी है कि जो मेरी होम स्क्रीन हो वो मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ। अब देखो हम बच्चे कहेंगे कि हम तो पहले मेन एक्टिविटी यूज कर रहे थे, हम अब मेन एक्टिविटी यूज क्यों नहीं कर रहे। हम मेन एक्टिविटी इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीन चार स्क्रीन बनानी है। अगर मैं मेन एक्टिविटी के अंदर तीन चार स्क्रीन बनाऊँ तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम खुद ही नोटिस करना कि पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर एक इमेज बनाऊँ, एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम दे देते हैं एक बार, होम स्क्रीन प्रोफाइल, इसको फाइल सिलेक्ट कर लेना। अब देखो मेन एक्टिविटी है, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी बनाऊंगा तो क्या होगा, वो एक स्क्रीन पर आएगा, एक ही यूआई में आएगा। अब तक हम यही बना रहे हैं लेकिन इसके अंदर कभी हमने ये तो नहीं सोचा कि दो यूआई कैसे बने। तो उसके लिए मैंने अलग से एक फाइल बनाई है जिससे मैं दूसरी एक यूआई बना सकूं, सिंपली है। अब क्या करना है, देखो नई हमारी फाइल बन गई है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी होम स्क्रीन बनानी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंपोजेबल हम कर रहे हैं तो कंपोजेबल। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फंक्शन लेंगे, क्या लेंगे, एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन का नाम क्या रखें, होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन फंक्शन ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लगाएंगे। अब देखो मैंने क्या करा, अब तक कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो मैंने एक तो डिपेंडेंसी ऐड करी है, डिपेंडेंसी ऐड करी है, और दूसरा मैंने क्या ऐड किया है, यहाँ पर एक फाइल बनाई है होम स्क्रीन के नाम से, कुछ नहीं किया, और एक कंपोजेबल फंक्शन मैंने अभी बनाया है, इसका नाम रख दिया मैंने होम स्क्रीन। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं यहाँ तक, तो आपने अभी तक खुद ही कर रखा है। बस एक चीज एक्स्ट्रा करी है कि मैंने होम स्क्रीन को क्रिएट किया है खुद से, फाइल से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये वैसे लास्ट लेक्चर में होता है। अब देखो हमने ये जो कंपोजेबल है ये क्या बताता है, हमारे क्या बताता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट करो, यूआई में, यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट करो। जैसे हेलो वर्ड है तो उसको प्रिंट हो जाएगा हमारे जो ऐप की स्क्रीन पर हेलो वर्ड। ठीक है, तो हमारे क्या इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हमारे यूआई में। ऐसे ही जब ये होता है तो जो ये तो होता है ये तो क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन इसको प्रिंट कौन कराएगा, कौन प्रिंट कराएगा, प्रिव्यू प्रिंट कराएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रिव्यू। ठीक है, प्रिव्यू कंपोजेबल तो ये प्रिंट कराता है, प्रिव्यू के अंदर मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये क्या लेगा, शो बैकग्राउंड, इसको ट्रू रख देते हैं। अब मैंने ये क्यों किया, एक मिनट, अब देखो मैंने शो बैकग्राउंड ट्रू क्यों किया, अभी अगर जो तुम देखो तो जो मेरी थीम है वो ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक थीम है, तो इसको व्हाइट रखे, इस वजह से मैंने कहा शो बैकग्राउंड। ठीक है, इस वजह से। ओके, अब देखो क्या होगा, कंपोजेबल। देखो मैं ये यहाँ पे क्या बना पाया, फंक्शन, और फंक्शन का नाम होम स्क्रीन, होम
स्क्रीन प्रीव्यू, ठीक है, होम स्क्रीन प्रीव्यू हो गया और क्या हो गया, अब किसको प्रिंट कराना है, जो इस फंक्शन के अंदर मैं जो लिखूंगा उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। ये तो पहले से एक तरह से जिस टाइम खोलते थे मेन एक्टिविटी, ये तो पहले से ही आता था चीजें, सिर्फ मैंने अब तक एक फंक्शन बनाया और बस हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए इस फंक्शन को कहा देना पड़ेगा प्रीव्यू कंपोजेबल के अंदर, ठीक है, होम स्क्रीन, ठीक है, इतना बहुत है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब देखो हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, बॉक्स लगाते हैं, मैंने आपको कॉलम रो और बॉक्स लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था, इस लेक्चर में भी बता देता हूँ, ऐसे बॉक्स की नीड है, चल बॉक्स लगा ही देते हैं, बॉक्स मैं इमेज भी लगाऊंगा आगे, ठीक है, मैंने बॉक्स लगाया इसके बाद, ठीक है, अब बॉक्स के बाद मैंने क्या दिया इसके अंदर, टेस्ट दिया, टेस्ट, ठीक है, एक मिनट, टेस्ट फील्ड हो गया, तो अब देखो क्या देना है, टेस्ट क्या देना है, मैं कुछ भी दे देता हूँ, होम दे देता हूँ वैसे, होम, ठीक है, क्या दे दिया मैंने, होम। देखो एक मिनट, देखो मैंने होम दिया, अब देखो अगर मैं भी इसको प्रिंट करूँ आराम से इजिली प्रिंट हो जाएगा, वेट वेट, इतने प्रिंट हो, इतने मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर लेता हूँ, क्या करूँ, कलर दे देता हूँ, और कलर में कितना दूँ इसमें, कलर दे देते हैं, क्या दे कलर, कलर क्या दे, दे देते हैं ब्लू, ठीक है, और देखो प्रिंट हो गया होम। अब मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैंने इस जो ये अभी ब्लैक में आ रहा है लिखा हुआ, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा कि ब्लू में प्रिंट हो जाए इसके, इसलिए इसको कलर दे दिया बिल्कुल, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, तो इसका फॉन्ट साइज में रख देता हूँ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ठीक है, मैंने फॉन्ट साइज रखा, फॉन्ट साइज रखा मैंने 40.sp, जो सिर्फ फॉन्ट साइज होता है वो एसपी में होता है, बाकी सब किस में होते हैं, बाकी सब होते हैं इसमें डीपी में, ठीक है, ध्यान रखना, वेट हाइट जितने भी होंगे सब डीपी में होता है, एसपी होता है ओनली फॉन्ट साइज में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और देखो एसपी आया, अगर एरर आए तो सिंपल क्या कर देना चाहिए, इंपोर्ट कर देना चाहिए, या अगर जो शॉर्टकट बताता हूँ ऑल्ट एंटर कर देना चाहिए, ठीक है, ओके, तो ये हो गया इम्पोर्ट, उसके बाद फॉन्ट साइज भी हो गया, उसके बाद क्या देते हैं, एक नई चीज बताता हूँ आज तुम्हें, एक फॉन्ट वेट भी होता है, अभी आया था मैंने देखा था, देखो फॉन्ट वेट, इससे क्या होता है, अगर जो मुझे जो ये मेरा क्या है जो होम लिख रहा है इसको मुझे बोल्ड करना है और भी कुछ करना है, तो मैं इसका यूज करता हूँ, मोस्टली मैं बोल्ड करने के लिए इसका यूज करता हूँ, ठीक है, देखो अभी करता हूँ डॉट बोल्ड, आगे बोल्ड, बोल्ड, अब देखो इसको थोड़ा अच्छा सा दिखाने के लिए इनको नीचे ले चलते हैं, ठीक है, ओके ओके, देखो ये हुआ, अगर मैं इसको अब देखूंगा कैसा दिख रहा है, सुंदर सुंदर तो बड़े दिख रहा होगा, अब देख लेते हैं इसको, अब ये देखो दिख रहा है बढ़िया, ठीक है, अब देखो लेकिन एक चीज तो रह गई, क्या बात, कि अगर मैं इसको मोबाइल में अभी प्रिंट करूं, अब देखो अभी दिखाऊंगा, अगर क्योंकि क्या हुआ ये भी पूरा मोबाइल में नहीं आ रहा, अगर मैं मोबाइल में प्रिंट करूँ बहुत अजीब सा दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा इसको मॉडिफिकेशन यूज करूंगा, मॉडिफायर, एक मिनट, बॉक्स के अंदर करूंगा मॉडिफायर, मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फुल मैक्सिमम साइज, ओके, तो मैंने फुल मैक्सिमम साइज कर दिया इसका, अब देखते हैं कैसा दिखेगा, देखो अब क्या रहा, जो मेरा होम था ये अगर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन देखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो ये ऊपर भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि मिड में आए बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सेंटर में अच्छा भी लगेगा, ठीक है, तो मेरे को इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या लगाऊंगा, एक एलिमेंट का यूज करूंगा, फंक्शन का यूज करूंगा जिसका नाम है कॉन्टेंट अलाइनमेंट, ठीक है, और इसका नाम है अलाइनमेंट जो सेंटर, ये कुछ मैंने वैसे पहले बता रखा है लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ,
इससे क्या हुआ, मैंने क्या कहा अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये क्या आ जाए सेंटर में आ जाए, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो आएगा कि नहीं, आ जा। ठीक है, अब ये देखो बड़ा तरीके से आ जाएगा, देखो आ गया ना, आ गया होम मिड में, देखो बढ़िया लग रहा है। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सेम मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरी स्क्रीन बना देता हूँ मैं। अगर मुझे इमेज ऐड करनी है, मैं इमेज भी ऐड करूंगा लेकिन आखिरी में ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ इम्पोर्ट से और क्या कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने क्या किया इसको कॉपी कर लिया। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, अब देखो क्या करना है, नई क्या बनानी है, एक मिनट देखो, नई क्या बनानी है मुझे, वापस कोटलिन क्लास बनानी है और क्या नाम रख देना है इसका, फाइल बनानी है क्लास में, सॉरी फाइल बनानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारी होती है, शील्ड इंटरफेस, ओके डेटा क्लास, एनएम क्लास, शील्ड क्लास, एनोटेशन एनोटेशन। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बनानी है मुझे, डिटेल स्क्रीन, इस तरह डिटेल स्क्रीन। ठीक है, मैं डिटेल स्क्रीन बनानी है। अब मैं देखो एंटर करता हूँ डिटेल स्क्रीन में, फाइल लिख दे, देखो फाइल चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये न्यू आ गई, यहाँ पे वो सब कुछ पेस्ट कर दूंगा। अब देखो मेरे को क्या चीज करनी है, मेरे को यहाँ पे होम स्क्रीन क्या रखूंगा, डिटेल स्क्रीन। ठीक है, ओके, और टैग स्क्रीन क्या कर दूंगा, डिटेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, होम स्क्रीन की जगह क्या कर देंगे, होम स्क्रीन की जगह कर देंगे डिटेल स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डिटेल स्क्रीन। ठीक है, इतना तो सही लग रहा है ना, बढ़िया। अब देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं ये कैसा लगेगा, एक मिनट रुकते हैं। ठीक है, मैं देखो कुछ नहीं किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया और सिर्फ नाम नाम चेंज किया है, कुछ नहीं किया। इसका फंक्शन का नाम रख दिया मैंने डिटेल, अगर मैं वैसे भी करता तो बिल्कुल सेम यही करना था, डिटेल मैंने इसका नाम रखा और यहाँ पे इस फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे डिटेल स्क्रीन कर दिया और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे टैग्स को मैंने डिटेल कर दिया, वहाँ पे क्या था, होम था। देखो बन गया ना, अब डिटेल हो गया और क्या आ गया, होम आ गया। मेरे पास दो चीज़ आ गई, एक डिटेल आ गया और एक होम आ गई स्क्रीन। ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं, फटाफट हम क्या कर लेते हैं, अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं एक नई क्लास। क्यों बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, देखो क्यों बनाते हैं, एक मिनट, इसका नाम रखते हैं स्क्रीन। इससे अब देखो हमने क्या बना लिया, होम स्क्रीन बना ली, डिटेल स्क्रीन बना ली। अब मेरे को इन दोनों को लिंक करना है, तो मेरे को लिंक करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ क्या बन देना पड़ेगा, रूफ देना पड़ेगा। अब देख बताऊंगा वो जिस टाइम क्लास बन जाने दो, टेंशन ना लो, सब पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे लग देते हैं स्क्रीन, वेट वेट वेट, मैंने एक गलत क्रिएट कर दी, एक मिनट, मेरे को शील्ड क्लास बनानी थी, क्योंकि मेरे को रूट देने हैं इनके, क्या देने हैं, रूट। अगर मेरे को किसी भी चीज के रूट देने पड़ते हैं तो मैं क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ शील्ड क्लास। देखो यार शील्ड क्लास, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, स्क्रीन नाम से। ठीक है, वेट वेट, स्क्रीन पहले आ चुकी ना, तो स्क्रीन तो बनेगा नहीं, तो स्क्रीन वन रख लेंगे और बताओ। ठीक है, डॉट सॉरी कौन सी बनेगी, शील्ड क्लास। ठीक है, अब देखो शील्ड वन बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक क्लास बनाई। अब मैंने क्यों बनाई ये सब पता चलेगा, टेंशन ना लो। वेल रूट, मैंने एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया जिसका नाम था राउट। रूट भी बोलते हैं कुछ, राउट बोलते हैं, राउट सही इसका प्रोनाउंसिएशन है, और राउट ही होता है। ठीक है, तो मैंने एक राउट बनाया और उसको किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल सही। देख मैंने क्या किया, एक सील्ड क्लास बनाई और उसमें क्या कर दिया मैंने, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और वो कैसे टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। ठीक है, बस मैंने इतना बताया अब तक, अभी तक। ठीक है, अब मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरे को क्या जरूरत पड़ी स्क्रीन बनाने की, क्या क्या जरूरत पड़ी, क्यों नहीं। अब देखो मेरे को क्या करना है, दो स्क्रीन बनाई मैंने, होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन।
मेरे को दोनों को लिंक करना है एक दूसरे के साथ, दोनों को लिंक करना है एक दूसरे के साथ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि होम स्क्रीन पे लाएगी या डिटेल स्क्रीन पे लाएगी? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनके कुछ जो क्या होंगे, कुछ नेम देने पड़ेंगे उनका, कुछ ऑब्जेक्ट उनके देने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, उनके लिए क्या देता हूँ, ऑब्जेक्ट देता हूँ। अब मेरे को अगर पहले क्या चाहिए, मेरे को होम स्क्रीन चाहिए, अगर मेरे को पहले होम स्क्रीन चाहिए, कौन सी चाहिए, होम स्क्रीन चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि पहला जो राउट होगा उनका वो क्या होगा, होम स्क्रीन, ठीक है? मैंने सिर्फ यहाँ पे राउट बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे दे देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है? अब क्या दिया मैंने, एक मिनट, इसका नाम बनी रखना होगा। देखो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, जो क्लास का नाम था वो स्क्रीन वन रखा, और मैंने इसके अंदर वेरिएबल दिया और राउट, राउट और क्या आगे बता दिया कि होम, जो ऑब्जेक्ट लिया मैंने होम, और मैंने उसको बताया राउट कि होम स्क्रीन होगा, ठीक है? पहले होम स्क्रीन आएगा, ऐसे ही मुझे क्या बताना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, मैंने दो चीजें ली है ना, एक होम स्क्रीन और एक डिटेल स्क्रीन। तो अगर मैं होम लिखूं तो मेरी होम स्क्रीन आए पहले, अगर मैं डिटेल लिखूं, अभी देखो नीचे आएगा ना डिटेल, तो मेरा क्या आएगा, डिटेल आ जाए, क्या आ जाए, डिटेल आ जाए। तो मेरे को इन्हें क्या रखना पड़ेगा, इनके रूट क्या होता है, देखो वैसे देख ले, पेड़ की जड़ें होती है वही रूट मान लो, ठीक है? ये तो राउट होता है, ठीक है? तो वो वाली जड़ें मान लो, देखो उन जड़ों का कैसे कनेक्शन होता है, मैं जड़ें क्या होती है, मैं पानी लेती है, और पानी लेने के बाद कहाँ पे पहुंचाती है, उस जो वाटर होता है, जो वाटर होता है उसको कहाँ से कैसे पहुंचाती है, वो पेड़ की हर एक जो टहनियां होती है वहां तक पहुंचाती है, उन टहनी पर क्या होता है, फल फ्रूट्स होते हैं, तो वहां तक भी जाता है, देखो उसका कनेक्शन देख रहे हो, तो वो जैसे उसका कनेक्शन है उसको ही रूट बोलते हैं, ठीक है? ऐसे मान लो तुम, ऐसे भी, तो इसलिए हम यहाँ पे राउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने अब तक कुछ नहीं किया, मैंने एक सील्ड क्लास बनाई और मैंने बताया कि क्या एक वेरिएबल लिया राउट, जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, क्योंकि मैंने देखो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे भी दी, ठीक है? मैंने सिर्फ ये बताया कि एक होम है हमारा, एक होम स्क्रीन है और एक डिटेल स्क्रीन है, बस मुझे ये बताना था कि होम स्क्रीन पहले आएगी और बाद में डिटेल स्क्रीन आएगी, मेरे को ये बताना था, ठीक है? अब देखो यहाँ तक मैंने सिर्फ ये बताया कि होम स्क्रीन पहले आनी है और ये बाद में आनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी में तो कुछ कर ही लें, मेन एक्टिविटी में क्या करें, मेन एक्टिविटी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में क्या करते हैं, देखो मेन एक्टिविटी, एक मिनट में देख लेता हूँ। देखो अब मेन एक्टिविटी में था हम, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर देता हूँ पहले, वो क्या होता है, एक मिनट बता देता हूँ, लेट इन इट, लेट इन इट वेर। अब लेट इन इट वेर, अब लेट इन इट का मतलब क्या होता है कि देखो हर एक जितने भी मैं अगर यहाँ पे जैसे पहला फंक्शन था ग्रीटिंग नाम का था, तो यहाँ से स्टार्ट देख रहा था फंक्शन, वो पहले यहाँ से देख रहा है, जितनी भी चीजें स्टार्ट होती है सेट कंटेंट से स्टार्ट होती है, जो फंक्शन मेरा रीड करना स्टार्ट करता है वो सेट कंटेंट से स्टार्ट करता है, ठीक है? लेकिन वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकता, अगर मैं लेट इन इट हटा दूं, देखो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने देगा, एक मिनट दिखा देता हूँ, देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ नेव कंट्रोलर, ठीक है? अब देखो एरर शो कर रहा है, क्या कर रखा है, एड लेट इन इट प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज और बी अपसेट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट इन इट कि मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा, कब करूंगा, बाद में करूंगा, क्या करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा लेकिन क्या करूंगा, बाद में करूंगा, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, लेट इन इट, क्या लगाना पड़ेगा, लेट इन इट। अब देखो अब तो नहीं ऐड देगा कि मैंने इसको बोल दिया कि मैं जो नैव कंट्रोलर मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं बाद में यूज कर लूंगा जब मेरा मन करेगा, लेकिन यूज पक्का करूंगा। लेट इन इट का मतलब यही होता है कि यूज मैं करूंगा यहाँ पर, लेकिन मतलब मैं इसको कहीं ना कहीं यूज जरूर करूंगा, पक्का यूज करूंगा, तो इस वजह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? अब देखो मैंने कैसे लिखा, देखो बिल्कुल ऐसे मान लो हमने क्या किया, जैसे हम वेरिएबल पीछे रूट किया था, हमने क्या किया था, राउट लिया था, राउट में नेम लेते हैं एक बार,
नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, और नेम का हम क्या कह रहे हैं, नेम किस किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ऐसे ही सेम अब क्या हो रहा है, नेविगेशन कर रहे हैं तो नेव कंट्रोल क्या होता है, नेविगेशन कंट्रोलर, यानी कि एक स्क्रीन पर दूसरी पे जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने वाला, सेम यही है, ठीक है, बस ये चीज है। तो ये ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक वेरिएबल लिखा जो कि किसके टाइप का था, नेव कंट्रोलर टाइप का था, वो क्या होगा जो हम इस फंक्शन के अंदर देंगे उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये हो गया, और कुछ तो नहीं करते, चलो नेव कंट्रोलर का भी एक बार नीचे दे ही देते हैं। अब देखो मैं इसको डिक्लेयर कर ही देता हूँ, बाद में तो करना ही था, अभी कर देते हैं। नेव कंट्रोलर इक्वल्स टू, ठीक है, रिमेंबर एक मिनट, रिमेंबर के अंदर देते हैं नेव कंट्रोलर, रिमेंबर नेव कंट्रोलर, कि याद रखे नेव कंट्रोलर को। अभी पक्का पता चलेगा मैंने क्यों लिखा है क्यों नहीं लिखा है, वापस आएंगे ना, क्योंकि अभी नेव कंट्रोलर आया कहाँ से, बोलते बता दूं। अब देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पे है ना, अब हमारा कुछ नहीं बचा, सब कुछ कंप्लीट हो गया, एक स्टेप रह रहा, बस एक स्टेप रह रहा। अब वो स्टेप क्या है, देखो मैंने क्या किया, होम स्क्रीन बनाई, बिल्कुल ध्यान रख लेना, मतलब एक फाइल ले रही है, अब देखो मैंने होम स्क्रीन बनाई और डिटेल स्क्रीन बनाई, कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो यहाँ पर एक चीज हो रही है, ये भी ब्लू हो रहा है, ये भी, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक मिनट यहाँ पे रेड कर देते हैं इसको, ये रेड होगा नहीं, एक मिनट, डॉट रेड अब होगा ना, देखो ये इसको रेड कर देते हैं, और होम स्क्रीन जो है यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे एक बैकग्राउंड दे देते हैं जिससे थोड़ा सुंदर लगे, यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड दे देते हैं इसको, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट, वही सेम कर रहा हूँ मैं, क्या रखें येलो सही रहेगा, हाँ जिससे थोड़ा सा ये लगे कि होम कौन सी है, ये कौन सी, ये हमको सही थोड़ा सही लिख जाए, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया कि व्हाइट हो रहा है ना, क्या हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। देखो मैंने ये किया, और दूसरा मैंने क्या किया, जो दूसरा क्या था मेरा डिटेल स्क्रीन, जिसमें मैंने ये डिटेल को रेड कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो दोनों स्क्रीन बना दी, और दोनों में मैंने ये बताया अब तक कि पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए, लेकिन देखो मैंने अभी तक कहीं भी इनका यूज नहीं किया कि पहले कौन सा आना चाहिए, समझ रहे हो, जो मैंने इनके ऑब्जेक्ट बनाए थे इनको कहीं यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने ये बताया कि होम स्क्रीन पहले आना चाहिए, डिटेल बाद में आना चाहिए, ठीक है, ये बताया मैंने, लेकिन ये हो कैसे कि मैं इन पे क्लिक करूं और ये ऐसे हो जाए, तो मेरे को उसके लिए मैं ये क्या करना पड़ेगा, सेटअप करनी पड़ेंगे, किसको, मेरे को अब क्या करना, होस्ट करना है अपना ऐप, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सेटअप के लिए तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि एक मिनट मैंने क्या कर दिया, अब देखो मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकता हूँ @composable, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँ फंक्शन ले दूँ और सेटअप ऐसे करके दे दूँ, लेकिन जब मैंने हर एक चीज के लिए अलग अलग फाइलें बनाई है तो तुम यहाँ पे कन्फ्यूज आओगे कि मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया वाली चीज, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है नेव ग्राफ, नेविगेशन ग्राफ, इसके अंदर मैं क्या करूंगा इनको लिंक करूंगा, क्या बना लेता हूँ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लिंक करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लिंक करूंगा, सबसे पहले वही कंपोजेबल फाइल बना लेते हैं, सॉरी कंपोजेबल एनोटेशन लिख लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कंपोजेबल का, और फंक्शन का नाम लिख देते हैं सेट अप नेव ग्राफ, एक मिनट, अब मैं पी कैपिटल हो गया है, ये पास्कल के इस कन्वेंशन ही होता है इसके अंदर, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ओके ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कंपोजेबल था, कंपोजेबल फंक्शन में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, देखो होम स्क्रीन बहुत बढ़िया तरीके से बन गई, इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने डिटेल स्क्रीन बना ली थी, और ये बताया कि ऊपर और नीचे कौन सा आएगा, उसके बाद मेन एक्टिविटी में सिर्फ मैंने ये किया है कि मैं एक वेरिएबल बनाया ये, और इसको रिमेंबर करवा दे कि इसको याद रखना कि मैं नया कंट्रोलर क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है बस, ठीक है। अब देखो,
अब क्या कर रहे थे मैं, नेवगेस्ट। देखो फंक्शन मैंने बनाया एक सेटअप नेवग्रास्ट, क्या करें सेटअप कर दो हमारे किन को, हमारी जो नेविगेशन जो स्क्रीन है उन दोनों को सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेटअप कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इनको, जो कंट्रोलर होता है कंट्रोल क्या कर रहा है कि अब देखो एक तो होता है नेव होस्ट जो हमारी ऐप को क्या है होस्ट करता है। अब होस्ट का मतलब क्या होता है, क्या कर रहा है वो लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है एक स्क्रीन को दूसरी से लिंक कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ नेव होस्ट कंट्रोलर तो क्या करता है कि अगर मैं क्लिक करूं तो वो क्या करेगा कंट्रोल करेगा, और नेव होस्ट आएगा तो क्या करेगा वो आर्गुमेंट लेता है नेव कंट्रोलर की। मैं ही समझ में आया, कोई बात नहीं, वर्किंग आराम से समझ में आएगी, ठीक है, वर्किंग इजीली समझ में आएगी। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया जिसका नाम था सेट ऑफ नेव ग्राफ, और उसके अंदर क्या दे देते हैं, इसके अंदर क्या दे देते हैं कंट्रोलर पैरामीटर दे देते हैं, कंट्रोलर और यहाँ पे दे देते हैं नेव होस्ट, होस्ट कंट्रोलर, जो कि नेव होस्ट कंट्रोलर टाइप का है, ठीक है। अब देखो ये टाइप का होता है, अब देखो ये सब कुछ आ कहां से रहा है, तुम ये भी सोच रहे होंगे मैंने जो डिपेंडेंसी ऐड करी है ना उससे आ रहे हैं सब कुछ, जो मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है ये वहां से आ रहे हैं। एक बार खुद ट्राई करके देखना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार ट्राई करके देखना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आप एक दो स्क्रीन पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन पता क्या करना एक बार खुद बनाओगे बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। वैसे मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ कि एक क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हम क्या लिखते हैं नेव होस्ट, नेव होस्ट, और इसके अंदर क्या देते हैं बेटा मीना, इसके अंदर क्या दे देते हैं हम, दे देते हैं कंट्रोलर, बताते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, एक मिनट एक चीज हो दे देता हूँ, इसके अंदर एक और आर्गुमेंट आर्गुमेंट पास करवा देता हूँ, स्क्रीन वन डॉट होम डॉट एक मिनट राउट। देखो अब मैंने एक मिनट इसको सेव कर देते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या किया, ध्यान से देख लेना, मैंने एक फंक्शन बनाया सेटअप नेव ग्राफ का, और इसके अंदर क्या कर दिया कि बता दिया कि मैं इसके अंदर क्या पैरामीटर दूंगा, कंट्रोलर दूंगा एक, ठीक है, जो किस टाइप का होगा नेव होस्ट कंट्रोलर टाइप का होगा, ठीक है, जो हमारे ऐप को लिंक करेगा एक और दूसरी स्क्रीन के अंदर, ठीक है, कंट्रोल करेगा कैसे में पहला कौन सा आ रहा है दूसरा कौन सा, जैसे स्क्रीन हो रही है ना तो बस एक कंट्रोल करेगा कि पहली स्क्रीन कौन सी आएगी दूसरी कौन सी आएगी। फिर मैंने क्या किया कि नेव होस्ट क्या हो, मेरी ऐप जो हो वो होस्ट हो, ठीक है, मेरी जो ऐप है वो स्क्रीन में होस्ट हो, और क्या हो, देखो कंट्रोलर टाइप की थी ना तो मेरे को क्या देना पड़ेगा कंट्रोलर देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसके एक आर्गुमेंट में क्या दिया कंट्रोलर दिया, और मैंने क्या कहा जो मेरी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो वो कहाँ से हो, कहाँ से हो वो पहली स्क्रीन में जाए, एक मिनट देखो वो स्क्रीन के अंदर जाए स्क्रीन वन में, उसके बाद होम में, और उसके बाद राउट में। देखो ध्यान से देख लेना, स्क्रीन में स्क्रीन वन में गए, स्क्रीन वन ये रही है, इसके बाद कहाँ पर जाए, उसके बाद होम में जाए, और फिर कहाँ पर जाए राउट में। ध्यान से बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया कि पहले क्या हो हमारी क्या प्रिंट हो, पहले होम स्क्रीन प्रिंट हो, मैंने सिर्फ इतना किया है, पहले हमारा कौन सा प्रिंट हो होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन में कौन सा कंपोजेबल प्रिंट हो, अब दे देते हैं एक बार कंपोजेबल कौन सी स्क्रीन प्रिंट हो। अभी तक तो ये तो मैंने सिर्फ बताया कि होम में जाना और होम में ये कर देना, अब मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा कौन सी स्क्रीन, मतलब जो मैंने बताई है कौन सा डिजाइन प्रिंट हो, तो डिजाइन मेरा इसके अंदर आ रहा है होम स्क्रीन का, तो मेरे को उसे भी बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कौन से कंपोजेबल के अंदर है, राउट एक बार वापस दे देते हैं क्योंकि राउट आर्गुमेंट लेता है, स्क्रीन वन डॉट होम डॉट राउट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कौन सी स्क्रीन की प्रिंट होनी चाहिए, होम स्क्रीन,
होम स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद मैं बिल देखो, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी चीज की है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिटेल के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं एक मिनट, मैं क्या करूंगा, लो ये होगा। अब देखो ये मेरे को किसके लिए बनाना पड़ेगा, डिटेल स्क्रीन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, डिटेल स्क्रीन। डिटेल स्क्रीन देखो, अब तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा सब कुछ चल रहा है। अब एक चीज रह गया, क्या चीज, कि मैंने जिस फंक्शन के अंदर ये सब कुछ कर रहा हूँ ये कहाँ दिखाना पड़ेगा। अब देखो जो इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये कहाँ पे दिखाऊंगा, मैं मेन एक्टिविटी में दिखाऊंगा इन सब को लाके, किस में दिखाऊंगा, मेन एक्टिविटी में। बस मुझे यही करना है, मैं क्या करूंगा, सेटअप, क्या करूंगा, सेटअप वेव नेवग्राफ, और इसको क्या करेंगे, कंट्रोलर मांग रहे हैं तो दे देते हैं इसको नेव कंट्रोलर। लो पकड़ भाई, अब ये क्या कर रहा है, एरर दिखा रहा है, नेव ग्राफ। चलो कोई नहीं, इसकी एरर भी देखते हैं क्या दिखा रहा है ये, नेव होस्ट कंट्रोलर। तो देख लेते हैं जो भी वर्क कर रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, ये सब कुछ हो गया। एक बार अपने बार ऐप को देख लेते हैं कैसी लग रही है, एक मिनट होम स्क्रीन पे जाके एक बार ऐप देख लेते हैं हमारे एमुलेटर में कैसे दिखेगी। एक मिनट रुक जाऊं, वेट वन मोर सेकेंड। वैसे तो आपकी ऐप फुली बन गई है, लेकिन ओहो एक चीज तो रह गया, एक क्लिकेबल तो मैंने बताया नहीं अभी तक, मैं बताऊंगा इसको चलने, इतने चलता है इतने बता देता हूँ फटाफट। देखो अभी तक मैंने क्या किया, ये सब कुछ होगा, लेकिन मैंने ये भी तो नहीं बताया कि क्लिक करने पाना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ कैसे करके आए, ये सब कुछ क्लिक करके आए, ये सब कुछ क्लिक करके आए, तो मेरे को वो चीज तो बतानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट के अंदर, कि टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होएगा, हो नहीं रहा ना, तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉडिफायर, ठीक है, डॉट क्लिकेबल, ठीक है। और क्लिकेबल के अंदर क्या आएगा, नेव कंट्रोलर, ये सब कुछ देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे क्या आ जाए, ये क्लिक हो जाए, नेव कंट्रोलर डॉट एक मिनट, पहले ना यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ, वेट वेट इसको एक मिनट बंद कर देते हैं और ये कर देते हैं। और देखो एक मिनट ये क्या, एक देखो अब क्या लिखते हैं, नया कंट्रोलर। अब ये नेव कंट्रोल लेगा ही नहीं, पूछो क्यों, मैंने आर्गुमेंट ऊपर पास ही नहीं किया, तो मेरे को यहाँ पे होम स्क्रीन में भी क्या पास करना पड़ेगा, नेव कंट्रोलर, नेव, एक मिनट ये नेव कंट्रोलर मैंने कहीं पे गलत पास कर दिया स्पेलिंग, एक मिनट देख लेते हैं मैंने कहाँ पर ये गलत पास कर लिया, नेव कंट्रोलर, सब जगह क्या किया, सही पास किया है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं नेव कंट्रोलर, नेव कंट्रोलर। अब देखो किस टाइप का है नेव कंट्रोलर, नेव कंट्रोलर किस टाइप का है, नेव कंट्रोलर टाइप का। देखो बस अभी ब्लू बढ़ा चलेगा,
टेंशन क्यों लेना, नेव कंट्रोलर हो गया डॉट, हम क्या कर रहे हैं नेविगेट कर रहे हैं एक उससे दूसरी उस पर, तो मैं क्या यूज करूंगा नेविगेट, और नेविगेट के बाद क्या करूंगा मैं यूज, नेविगेट के अंदर क्या यूज करूंगा कि क्या होना चाहिए, किस पे क्लिक होना चाहिए, हमारी स्क्रीन स्क्रीन जो वन है उस पे जाके, फिर होम पर जाके, होम पे प्रिंट कहाँ से है वो राउट से लिया है सब कुछ हमें, ठीक है मतलब राउट से आएगा, तो बिल्कुल मैंने पहले आपको बता ही रखा है क्या होना है क्या नहीं होना है। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि जिससे क्या हो जाए क्लिक हो जाए, मैंने सिर्फ ये इसको ऐड किया है और कुछ नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसको फटाफट, अब देखो मैंने यहाँ पे नेव कंट्रोलर ये तो दिया है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नीचे भी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्या दूंगा नेव कंट्रोलर क्योंकि जब मैंने पैरामीटर पास किया तो आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे यूज होगा रिमेम्बर नेव कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने ये किया, एक मिनट देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि जिस क्लिक हो जाए उसके लिए मैंने क्या यूज किया, ये मॉडिफायर यूज किया कि क्या हो जाए मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल यूज किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। और क्या हो इस क्लिक से हो क्या कि नेविगेट हो जाए, क्या हो जाए नेविगेट हो जाए स्क्रीन, होम स्क्रीन से कहाँ पे हो जाए डिटेल स्क्रीन पर, ठीक है। तो यही करना, तो यही सेम चीज मुझे कहाँ करनी पड़ेगी डिटेल में, कि डिटेल पे अगर जब मैं क्लिक करूँ तो वापस होम पे आ जाए, ये भी तो होना चाहिए ना कि कहीं फिर वो एक्सिट हो देता फिरेगा, ठीक है तो हो जाएगा। अब देखो क्या होगा नेव कंट्रोल, अब देखो ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या नहीं दिया आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं दी, नेव कंट्रोलर और नेव कंट्रोलर, अब मैं यहाँ पे नेव कंट्रोलर ले रहा हूँ ना, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, जो ये है ना वेरिएबल जो है ये पैरामीटर जो ले रहा हूँ मैं नेव कंट्रोलर टाइप कर ले रहा हूँ, मैं इस वजह से ले रहा हूँ जिससे मुझे याद रहे कि मैंने ये लिया था, अब मैं बार बार न्यू नाम रखूंगा मैं खुद कन्फ्यूज हो जाऊंगा, इस वजह से सब कुछ देखो बुरा तरीके से चल रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, मैंने डिटेल स्क्रीन नेव कंट्रोलर ये सब कुछ बता दिया, क्लिकेबल होनी चाहिए, क्लिक जो क्लिक हो तो क्या हो क्लिक हो जानी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो होम स्क्रीन है चाहिए और ये क्या है डिटेल है, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहिए क्या हो एक से नेविगेट होकर दूसरी पे आ जाए, तो मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा कंट्रोलर, ठीक है। बाकी आई थिंक सब कुछ हो ही गया है, एक बार दोबारा से फटाफट एमुलेटर रन कर देते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसा चल रहा है हमारा ऐप, देखो ये डिटेल से आ नहीं रहा है, यानी कि मैंने क्या किया होम और डिटेल में दोनों में कहीं एक जगह डिटेल ही डाल दिया, देखो होम ओहो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर भी होम ही डाल दिया और यहाँ पर भी क्या मेरे को क्या डालना पड़ेगा कि होम स्क्रीन से कहाँ जाइए डिटेल स्क्रीन में, कहाँ जाए डिटेल स्क्रीन पे, जब मैं क्लिक करूँ तो कहाँ पे जाए डिटेल में, और जब मैं क्या करूँ जब मैं डिटेल में डालूँ तब मैं कहाँ पे जाऊँ होम पर, इसे तो सही डल रहा था, ठीक है एक बार दोबारा देख लेते हैं, एनीथिंग एल्स और तो कुछ नहीं है, आप देखो कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे तो आपका ऐप बन गया है, नया ग्राफ था और देखो समझ गए, तो हमने क्या किया था एक होम स्क्रीन बनाई थी सबसे पहले ऐसे, उसके बाद हमने क्या किया होम स्क्रीन के बाद मैंने डिटेल स्क्रीन बनाई, ठीक है, और डिटेल स्क्रीन के बाद मैंने क्या किया क्या बनाया मैंने स्क्रीन बनाई कि हम क्या करें कि दो ऑब्जेक्ट बनाए कि पहले होम स्क्रीन फिर डिटेल स्क्रीन, या आगे जाके वैसे नेव ग्राफ में हो गया है, ठीक है, और नेव ग्राफ में हमने क्या बताया कि किस पे कैसे कंट्रोलर आएगा, कैसे कैसे कंट्रोल होगा, कैसे स्क्रीन डॉट होम डॉट रूट पे जाएगा, ठीक है, जैसे कुछ हमने अब तक बात करी मेन एक्टिविटी हमने बता ही दिया है रिमेंबर वगैरह, और उसके बाद क्या करना है देखो अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ एक बार टेस्ट करते हो कर लेते हैं, होम पे क्लिक करूंगा डिटेल आ गया,
डिटेल पे क्लिक करेंगे तो होम आएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आएगा, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो होम आएगा। ठीक है, तो इजीली आपका ये ऐप बन गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिल्ट योर फर्स्ट ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो। सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू वशु फॉर कवरिंग द आर्किटेक्चर पार्ट। ओके, सो वशु कंटिन्यू। थैंक यू अमित। हेलो एवरीवन, आई एम वशु चौधरी, कैंडली आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम एमडीयू। सो कैंडली आई एम वर्किंग एज अ एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न एट गूगल वर्चुअल इंटर्नशिप बाय स्मार्ट इंटर्न। आई एम आल्सो सर्टिफाइड Java developer from Microsoft and currently playing my role as an Android co-lead and facilitator at Google Developer Student Club, UIT Rotor. So I think it's enough about my profile. So let's start beginning the course. So today, जो हमारे कर सकते हो, आप भी अपनी एप्लीकेशन पे करोगे तो आपका क्या होगा, आपके होगा आप यहाँ पे क्या करोगे, डेजर्ट पे क्लिक करोगे तो आप डेजर्ट होंगे ऐड होंगे। वशु प्लीज चेक योर माइक आईड। हेलो वशु, चेक योर माइक वंस। Okay, wait. Is my voice clear? Yeah, now. Okay. Continue. So, हमारी क्या होती है, जैसे भी कोई एक्टिविटी होती है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि आपके जैसे भी एनिमल उसकी एक होती है, स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया इसको बटरफ्लाई लाइफ साइकिल से। बटरफ्लाई साइकिल क्या होता है, फर्स्ट एक कैटरपिलर, देन पूपा, एंड देन बटरफ्लाई, एंड देन वैक्स। ऐसे जो हमारी एक्टिविटी कोई भी अपने आते हैं उसमें भी वो वेरियस स्टेजेस से जाता है। पहले हम उसमें मेन फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें ऑन क्रिएट फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद हम उसमें जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, तो ये सारे हमारे स्टेट्स होती है। हम अपनी एक्टिविटी में कौन से स्टेट्स को ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया जिससे हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होगा। स्टार्ट किया हमने कोई ऐप बनाया, तो क्या होगा, हमने स्टार्ट किया बनाना, तो वो क्रिएट हो जाएगा। तब हमारा ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आएगा क्रिएटेड के अंदर, जब हमारी एप्लीकेशन हमारे स्क्रीन पर विजिबल होगी, देन इट कन्वर्टेड ऑन, वो उसमें माननी चाहिए कि वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को अपने फोन में रन करोगे, उसके बाद आएगा कि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, देन एप्लीकेशन को बाहर रिज्यूम कर रिज्यूम आप क्या होगी, आपकी एक्टिविटी फोकस में होगी, विजिबल होगी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को तो आप क्या आपकी एक्टिविटी है वो बंद हो गया, तो आपको किस पर जाता है, वो डिस्ट्रॉय है, उसके बाद आप दोबारा उसको लेस करोगे। तो हम फिर से एथिकल एग्जामिन करते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन को, जिसमें हम मेथडिकल हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको ओपन करना है ट्रेनिंग डेजर्ट पेज पर स्टार्ट। तो ये जो कोड है हमें हम जो लॉगिन को बताएंगे, हम फंक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, लोग मेथड का यूज करें जिससे हमारी लोकेट के अंदर हमारी जो भी मैसेज है वो प्रिंट होकर आ जाए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओवरराइड मेथड के ऊपर लोग एक टैग ऐड करेंगे, कॉन्स्टेंट टैग यहाँ पे,
private course. वेल हमने इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, हमने कॉन्स्टेंट को लिया क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम यहाँ पर किसके अंदर कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, ऑन क्रिएट के बाद जो हमारा ऑन क्रिएट हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन है, इसके बाद जो सुपर ऑन क्रिएट है उसके बाद हम इसपे लोग पी हम अपनी लोगिंग जो मेन फंक्शन है वो ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो मैसेज होगा ऑन क्रिएट का वो हमारे कंसोल में प्रिंट होकर आएगा। लोग पी एड ऑन क्रिएट हमारा जो लॉग डॉट बी है, डी किस लिए यूज हुआ है, डीबग के लिए। टैग एट है हमारा एक फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग है, जो हमारा मैसेज ये है स्ट्रिंग है जो हमारा क्या कॉल कर रहा है, ऑन क्रिएट को कॉल कर रहा है। तो अगर हम इस ऐप को रन करते हैं अपनी वर्चुअल डिवाइस में, अभी मैंने फिलहाल फिजिकल वैसे अपने डिवाइस ऐड की हुई है, हमें एक वो काम करना है कि हम इसमें लॉग जो फंक्शन होगा इंपोर्ट करेंगे android.util.log। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी एक्टिविटी एरर शो करेगी कि आपके अंदर लॉग का जो है फंक्शन है ही नहीं, तो आप उसको किस बेसिस पे आप रन कर रहे हो। तो हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है आपकी लॉग के अंदर, जैसे लॉग डॉट बी, लॉग डॉट डी, लॉग डॉट आई, लॉग डॉट डब्ल्यू एंड लॉग डॉट ई। तो ये क्या होती है, जो लॉग डॉट बी होती है वो होते पे भी वर्डबोस मैसेज आपको प्रिंट कराना है। लॉग डॉट डी हम यूज करते हैं जब हमें डीबग मैसेज कराना होता है, लॉग डॉट आई फॉर इंफॉर्मेशन मैसेज, एंड लॉग डॉट ई फॉर एरर, एंड लॉग डॉट डब्ल्यू फॉर वार्निंग मैसेज। तो वो यहाँ पे बताया गया कि जो टैग है हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, इसमें जो है मेन एक्टिविटी के अंदर जो मैसेज है हमारा सेकेंड पैरामीटर है, ये एक शॉर्ट ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑन एट के साथ साथ ऑन स्टॉप ऑन पॉज एक्टिविटीज को भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आपका ये रन हो गया है, अगर आप लॉग कैट में देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन क्रिएट आएगा। या ऑन क्रिएट आ रहा है ना, तो ऐसे हमें इसमें क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम आगे और जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब इसमें ऐड करेंगे। हम इसको यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे आप पे बहुत सारे मैसेजेस शो होंगे तो आप सीधे यहाँ पे मेन एक्टिविटी सर्च करके और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो डीबग, यहाँ पे आपको सिर्फ डीबग मैसेजेस प्रिंट होंगे।
तो हम क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे. और स्टार्ट मेथड हम कैसे करेंगे, हमें कर्सर अपनी मेन एक्टिविटी में रखना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन कॉल ओवरराइड मेथड्स. और इसके अंदर हम सर्च करना है हमें ऑन स्टार्ट. ऑन स्टार्ट ओके, तो आपका क्या है, ऑन स्टार्ट हमारा फंक्शन यहाँ पे बन गया है. तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक लॉग का मैसेज प्रिंट कराना है जिसके हमें लॉग स्टेटमेंट मिले. लॉग और डी डी किसे यूज होता है, डीबग के लिए. अब हम लिखेंगे यहाँ पे टैग, हमारा फर्स्ट पैरामीटर है. आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऑन स्टार्ट कॉल. हमारा मैसेज यहाँ प्रिंट होगा, जैसे हमारा ऑन पीरियड प्रिंट हो रहा था ऐसे हमारा यहाँ पे ऑन स्टार्ट भी प्रिंट होगा. ऐसे हम इसमें और फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं और लोग स्टेटमेंट ऐड करेंगे हम, जैसे कि ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ऑन कॉल. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऑन स्टार्ट को ऐड किया था आप ऐसे उसमें सर्च करके ऐड कर सकते हो. तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऑन विद यू. सुपर ऑन विद यू हम क्या करेंगे, एक लॉग इंप्लीमेंट करेंगे इसमें. डी फोर किस लगता है, डीबग के लिए. हम फर्स्ट पैरामीटर लिखते हैं टैग, उसके बाद जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम कॉल. उसके बाद हम एक और लॉग स्टेटमेंट बनाएंगे ओवरराइड फन ऑन रिस्टार्ट पर. इसमें लोग इंप्लीमेंट करेंगे log dot d debug first parameter tag. अब हमें जो मैं जो कॉल कराना है हमें फंक्शन ऑन रिस्टार्ट कॉल. ऐसे ही हम एक कॉल बनाएंगे ऑन कॉल. अभी हम एक भी बना रहे हैं, अभी बताते हैं आगे. जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा. जब हम मैप रन करेंगे तो हम बनाते हैं फंक्शन ऑन पॉज, कि ऑन पॉज कब कॉल होगा, ऑन रिज्यूम कब होगा, ये भी आपको बताते हैं अपने. ऑन पॉज कॉल करना है हमें log statement. आप log implement करना इसमें log dot d debug first parameter tag. तो हमें इसमें क्या print कराना है, क्या call कराना है, on calls, on calls call. ठीक है, अब हम बनाएंगे on override on on stop. Super dot on stop. Non stop call करा रहे हैं.
लॉग इवेंट करेंगे, लॉग डॉट डी फर्स्ट पैरामीटर टैग, कॉल क्या करा रहे हैं, ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप कॉल। के एक हम बनाते हैं ऑन डिस्ट्रो, जब भी मैं कोई ऐप किसी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारे डिवाइस के अंदर, तो हमारा क्या फंक्शन क्या कॉल होना चाहिए, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिस्ट्रॉय। सुपर on destroy हम इसमें लॉग इंप्लीमेंट करेंगे, लॉग टैग on destroy अब अगर हम अपने एप्लीकेशन को अब रन कराते हैं इसमें क्या होगा, कौन क्रिकेट के साथ साथ हमारी कौन कौन सी क्या होगी, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये वाले मैसेज भी हमारे क्या होंगे, लोकेट में प्रिंट होंगे, हमें लोकेट के मैसेज देगा कि आपकी एक्टिविटी ऑन क्रिकेट हुई है। अगर हम देखो स्टार्ट करते हैं पहले तो हमारे क्या आती है, रिस्टार्ट, कि हमने दोबारा रिस्टार्ट किया अपनी एक्टिविटी, फिर हमने जब हमारी एक्टिविटी हमें विजिबल हो गई तो क्या हो जाएगी, ऑन स्टार्ट कॉल होगा, ठीक है, या फिर ऑन रिज्यूम। अगर हम उसकी स्क्रीन हमारी क्या होती है, कभी हम अपनी एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या होती है जो स्क्रीन होती है विजिबल नहीं होती, वो थोड़ी ब्लर हो जाती है, तो क्या आता है, ऑन पॉज। और अगर बाई चांस हम उसमें एग्जिट कर देते हैं तो हमारी क्या आती है, ऑन स्टॉप, ऑन ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हमने सिर्फ लॉग मैसेज किस लिए ऐड किए हैं, जिससे हम पता कर सके कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या क्या वर्क कर रहा है, इन सब कर लिया है, ऑन डिस्ट्रॉय, नेविगेशन, जैसे भी हमारी इसके ऐसे कभी ऐसे आती है तो हमारा क्या आता है, ऑन स्टार्ट या ऑन स्टॉप। तो अगर हमारी स्क्रीन हम यहाँ पे शेयर करते हैं तो ऐसे अनविजिबल हो जाते हैं कभी कभी, तो हमारा तब क्या आता है, ऑन पॉज कॉल होता है। तो देयर इज योर सॉल्यूशन कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू लीड्स, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टू दिस सेशन, दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ एंड्रॉइड कंपोज बोट कैंप, वी विल सी यू सून अगेन. Stay tuned with GDSE PGDAV and your e-certificates will be provided to you by tomorrow. Thank you.